बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्की की आसान रेसिपी। चिकन टिक्की के दो पीसेस लिए हमने। एक बाउल में हम चिकन टिक्का मसाला लिया है हमने, एक साशे 100 ग्राम साशे लिया है हमने। चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे इसमें हम। इसके बाद हमने नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर लिया है हमने 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लेमन जूस लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। लेमन जूस शामिल कर देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीसेस में हम मसाला लगा देंगे अच्छी तरह। जहाँ जहाँ चिकन के कट से वहाँ पर भी हम अच्छी तरह मसाला लगा लेंगे। दूसरे पीसेस को भी इसी तरह ही हम मसाला लगा लेंगे। दोनों पीसेस में हमने मसाला लगा दिया है। इसे हम किसी चीज़ से ढक देंगे, 2 से 3 घंटे हम इसे फ्रीजर में रख देंगे, ढक देंगे। ऑयल लिए हैं 1 कप, ऑयल गर्म कर लेंगे। इसमें हम चिकन के दोनों पीसेस हम इसमें रख देंगे। इसके बाद हम ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पलट देंगे। चिकन के पीसेस को हमने पलट दिया है, दूसरे पीस को भी हम इस तरह ही पलट देंगे। इसके बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे 15 मिनट दम पर पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, इसको हम पलट देंगे दोबारा से। चिकन हमारा अभी गला नहीं है, बिल्कुल हमने स्टीम दिया है। अब बाकी मसाला भी हम इसमें डाल देंगे और इसे फिर से हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे। 25 मिनट पर हमने इसे हल्की आंच पर पकाया है। चिकन हमारा एक साइड से गल गया है, दूसरी साइड से हम इसे चिकन के पीस को पलट देंगे। दूसरे पीस को भी हम इस तरह ही पलट देंगे। हल्की आँच पर हम इसे ढककर पकाएंगे। 25 मिनट हो गए हैं। चिकन टिक्का हमारा रेडी है, हम इसे पलट देंगे। चिकन टिक्का हमारा तैयार है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है टिक्के का। ये है टिक्के का हमारा फाइनल लुक। कढ़ाई में टिक्का बनाना सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।